दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बिल्ली ज़ॉम्बी से बचते हुए इस बिल्डिंग की एक खुफिया जगह पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली यहाँ पर आ तो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर छुपने की तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सारे गेटों पर तो ताला डला हुआ है। गुल्ली बुल्ली एक जाली वाले गेट के पास आ जाते हैं, लेकिन इस गेट पर भी ताला डला हुआ है। तभी गुल्ली अपनी हथौड़ी से ताला तोड़ देता है और गुल्ली बुल्ली अंदर आकर गेट को बंद कर लेते हैं। अंदर आकर गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि ये बच गए हैं, लेकिन ये तो अलग ही मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज बाहर ही बैठकर गुल्ली बुल्ली का इंतजार करने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को सामने से आता हुआ एक जाना पहचाना ज़ॉम्बी दिखाई देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये तो शॉन है, लेकिन ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया? गुल्ली कहता है, गुल्ली शायद हमारे आने से पहले ही शॉन ज़ॉम्बीज के हाथों पकड़ा जा चुका था। गुल्ली कहता है, बुल्ली अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे? गुल्ली कहता है, गुल्ली हम शॉन को तो तब बचा पाएंगे जब हम खुद बच पाएंगे। अब आगे, शॉन ज़ॉम्बीज के पास में आकर बैठ जाता है। लगता है शॉन ज़ॉम्बी बनने के बाद गुल्ली बुल्ली को पूरी तरीके से भूल गया है, और शायद अब शॉन भी सारे ज़ॉम्बीज की तरह ही गुल्ली बुल्ली पर हमला करेगा। गुल्ली बुल्ली को ये नहीं समझ आ रहा है कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेंगे और शॉन को इस हालत में कैसे बचाएंगे। अचानक गुल्ली की नज़र इस पाइप पर पड़ती है। गुल्ली इस पाइप को देखने लगता है और फिर गुल्ली से कहता है, देखो गुल्ली, हम इस पाइप से निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, मेरे हिसाब से ये पाइप नीचे की तरफ गया होगा। गुल्ली लात मारकर पाइप में लगी जाली को तोड़ देता है और गुल्ली से कहता है, गुल्ली पहले मैं जाकर देख लेता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आवाज़ लगाकर तुम्हें भी बुला लूँगा। जब तक तुम ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करे रहना। गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली, पहले तुम जाकर देख लो, जब तक मैं ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाए रहता हूँ। और फिर बुल्ली इस पाइप के अंदर जाने लगता है। इधर गुल्ली बैठकर ज़ॉम्बीज को देखने लगता है। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम चिंता मत करो, मैं और गुल्ली तुम्हें बचा लेंगे, बस एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर हम तुम्हें बाबा के पास ले जाएंगे, बाबा के पास ज़रूर इसका कुछ इलाज होगा। इधर गुल्ली पाइप में आगे बढ़ते हुए पाइप के आखिर तक पहुंच जाता है। पाइप के आखिर में पहुंचते ही गुल्ली पाइप में लगी जाली को लात मारकर तोड़ने लगता है। गुल्ली लात मार मार कर जाली को तो तोड़ देता है, लेकिन फिर ये जाली खुल क्यों नहीं रही है? गुल्ली जाली में से बाहर झाँक कर देखता है कि आखिर ये जाली खुल क्यों नहीं रही है। गुल्ली देखता है कि ये जाली बाहर खड़ी हुई कार से अटक रही है। गुल्ली पूरी ताकत के साथ दोबारा कोशिश करता है और इस बार गुल्ली कार को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, जिससे जाली भी थोड़ी और खुल जाती है। लेकिन अब जाली को और खोल पाना नामुमकिन है, क्योंकि कार आगे बढ़कर दीवार से अटक गई है, जिसे देखकर गुल्ली ये समझ जाता है कि अब जाली को खोल पाना नामुमकिन है। और फिर गुल्ली वापस गुल्ली के पास जाने लगता है। इधर गुल्ली पाइप के अंदर ही देख रहा है। गुल्ली सोच रहा है कि अब उसे भी पाइप के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि गुल्ली को गए हुए काफ़ी देर हो गई है और अभी तक गुल्ली ने गुल्ली को आवाज़ भी नहीं लगाई है। गुल्ली ये सब सोच ही रहा था, तभी गुल्ली वापस आ जाता है और पाइप से बाहर निकल आता है। गुल्ली बुल्ली को देखते ही पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम वापस क्यों आ गए? क्या पाइप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है?
गुल्ली कहता है, गुल्ली रास्ता तो है, इस पाइप के आखिर में भी ऐसी ही जाली है, लेकिन उसको खोल पाना नामुमकिन है क्योंकि वो नीचे खड़ी हुई कार से अटक रही है। गुल्ली, हम इस पाइप से नहीं जा सकते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली थक हार कर बैठ जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज भी यहीं पर ही अड़े हुए हैं। रात भर बैठे बैठे गुल्ली बुल्ली की आंख लग जाती है और ज़ॉम्बीज भी यहीं पर ही सो जाते हैं। तभी गुल्ली की आंख खुल जाती है और गुल्ली देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज तो सो रहे हैं। ज़ॉम्बीज को सोता देखकर गुल्ली फौरन ही बुल्ली को उठाता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली सारे ज़ॉम्बी सो रहे हैं, यहाँ से निकलने का ये सबसे बढ़िया मौका है। गुल्ली ये सुनते ही सीधा खड़ा हो जाता है और गुल्ली से कहता है, चलो गुल्ली चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं इससे पहले कि ज़ॉम्बीज जाग जाएं। गुल्ली जाल में लगी हुई हथौड़ी को निकाल लेता है और गुल्ली बुल्ली बहुत ही संभल संभल कर ज़ॉम्बीज के पास से निकलने लगते हैं। गुल्ली शॉन के पास रुककर खड़ा हो जाता है और धीमे से आवाज लगाकर गुल्ली से कहता है, गुल्ली कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? गुल्ली कहता है, गुल्ली ये वक्त कुछ सोचने का नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उठकर खड़े हो जाएं। गुल्ली कहता है, गुल्ली अगर हम चले जाएंगे तो शॉन को कौन बचाएगा? गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम देख नहीं रहे हो, शॉन अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, अगर हमने शॉन को हाथ भी लगाया तो वो जाग जाएगा और सारे ज़ॉम्बीज को भी जगा देगा, और वैसे भी हमारे पास ज़ॉम्बीज को ठीक करने का कोई इलाज भी नहीं है। गुल्ली कहता है, गुल्ली हम यहाँ पर शॉन को बचाने के लिए ही आए थे और अब तुम बिना शॉन को लिए ही वापस जाने की बात कर रहे हो, यहाँ से शॉन को हम बाबा के पास ले जाएंगे, बाबा जरूर शॉन को ठीक कर देंगे। गुल्ली कहता है, गुल्ली मेरी बात मान लो, यहाँ से निकलने का ये सबसे सही मौका है, अगर हमने शॉन को पकड़ने की कोशिश करी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गुल्ली कहता है, बुल्ली मैं शॉन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। गुल्ली कहता है, ठीक है गुल्ली मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो तुम आ जाना। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते हैं और बुल्ली गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली अकेले ही शॉन को बचा पाएगा और क्या बुल्ली गुल्ली और शॉन के बिना ही यहाँ से चला जाएगा? तो अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।